हेलो गाइस, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ पार्ट 97 लेके आई हूँ भिंगे चुका। चलिए उसे शुरू करते हैं गाइस। शिनचिनचो जो है वो धीरे से खुद को पंखा झूल रहा होता है और वो धीरे धीरे छोटे छोटे डिस्टेंस को कवर करते हुए जा रहा था। उसके साथ में उसका प्यारा सा जो उसका डिसाइपल था वो भी साथ ही था। लो भिंगे यहाँ पर उसके साथ खड़ा था और बहुत सारे सोचों में डूबा हुआ था। यहाँ पर शिनचिनचो धीरे से कहते हैं, भिंगे तुम क्या देख रहे हो? लो भिंगे वहाँ पर अपने सेंसेस में वापस आता है और धीरे से कहता है, शिजन आए। शिनचिनचो यहाँ पर देख रहा होता है कि लो भिंगे किस तरफ देख रहा है। वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आवाज़ कर रहे थे जो कि जिंदा लोग थे, और वो सारे के सारे धीरे धीरे दो पीपल की ड्रेस जो कि हेड टू टो सिर्फ लाल कपड़ों में थे उनके आसपास घूम रहे थे। वो और कोई नहीं बल्कि शादीशुदा कोई दो नए जोड़े थे। यहाँ पर शिनचिनचो जो है वो कहता है, ओह ये तो खुशी की चीज़ें हैं, यहाँ पर तो सारे के सारे खुशियाँ शेयर कर रहे होते हैं। शिनचिनचो पहले मन में सोचता है, वो कहता है, क्या जो दूल्हे का घर है वो हॉन्टेड है क्या? क्योंकि जिस तरह से लो भिंगे देख रहा था, यहाँ पर लो भिंगे मुस्कुराता है और वो खुद को एकदम एक लड़की की तरह पाता है जो कि शर्मीली हो। यहाँ पर वो धीरे से कहता है, नहीं शिजुन मैं कुछ मीठा खाना चाहता हूँ, चलो चलते हैं। शिनचिनचो यहाँ पर धीरे से सिर को नोट कर देते हैं। दोनों मैन जो थे वो साइड बाई साइड चल रहे थे। लो भिंगे जो है वो अभी भी उनके हाथ से खेल रहा होता है जिसमें दो छोटी छोटी कैंडीज थी जो कि लाल कलर में रैप हुई हुई थी। यहाँ पर शिनचिनचो कहता है, उस घर में क्या चल रहा था? यहाँ पर लो भिंगे धीरे से कहता है, कुछ भी नहीं, यहाँ पर वो सोच रहा था कि शायद उस घर में कुछ अनयूजुअल चल रहा हो। लेकिन यहाँ पर लो भिंगे कहता है कि शिजुन आप किस बारे में पूछना चाहते हैं? शिनचिनचो कहता है, मैं पर्टिकुलर किसी बात के बारे में नहीं, बट तुम वहाँ पर बार बार पीछे मुड़ के देख रहे थे, मैं जानता हूँ तुम्हें मीठा खाने में इतनी दिलचस्पी तो नहीं है। शिनचिनचो धीरे से सडनली समझ जाता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस देखना चाहता था वो किस तरह से अपनी खुशियाँ बांट रहे हैं। वो जैसे ही बोलता है, शिनचिनचो कहता है, ये मास्टर ये तुम्हें कभी भी इस तरह से बिलीव नहीं करता कि तुम किसी की मैरिज को देखना चाहोगे। क्या तुमने पहले कभी किसी की मैरिज नहीं देखी? लो भिंगे जो है वो कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी की शादी के आसपास से गुजर नहीं हूँ, बट मैंने वो चीज़ नहीं देखी, ऐसा मेरे साथ कभी हुआ नहीं है। यहाँ पर शिनचिनचो मन में सोच रहा होता है कि ओबियसली बात है ये एक लड़का हो गया है और आज नहीं तो कल से शादी करनी ही होगी। वो यहाँ पर एक छोटी सी स्माइल देते हुए कहता है, तुमने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि किस गर्ल से तुम आगे जाके फ्यूचर में शादी करोगे? लो भिंगे धीरे से कहता है, रियली आपको लगता है मुझे इस बारे में कभी सोचना चाहिए था? कुछ भी हो जाए, लो भिंगे की प्रीवियस लाइफ में उसकी इतनी सारी बीवियां रह चुकी हैं। तो शिनचिनचो के मन में आया था कि शायद इस बार भी लो भिंगे के मन में किसी से शादी करने का ख्याल आया हो। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे फ्यूचर में उसे किसी ना किसी से तो शादी करनी होगी ना। यहाँ पर शिनचिनचो जो है वो करंटली लो भिंगे को देख रहा था और वो मन में सोच रहा था कि इस मैटर से शायद अभी उसने नहीं सोचा लेकिन आगे चल के उसे सोचना होगा। तभी लो भिंगे कहता है, पास्ट में मैंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा। शिनचिनचो धीरे से मन में सोचता है, पास्ट यानी कि आगे चल के तुम सोच सकते हो। तो वो कहता है, तो तुम्हारा क्या सोचना है अब इस बारे में? तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस बारे में अब कुछ करना चाहिए? अनएक्सपेक्टेडली लो भिंगे आंसर नहीं देता। बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, शिनचिनचो अभी भी श्योर नहीं था। वो बस चीज़ों को देखता था, फील करता था कि लो भिंगे जो है वो पूरी रात पूरे दिन उसे फॉलो करता है। यहाँ पर वो बूढ़ा हो गया था, उसके बेचारे के हिप्स और लेग्स भी पेन कर रहे थे लो भिंगे के डिमोनिक पावर सेक्सुअल पावर को फील करते करते। वो सोचता है कि आगे चल के उसे और भी ज़्यादा सफ़र करना होगा। यहाँ पर बहुत सारे मंथ हो गए थे उन्हें साथ रहते हुए। दोनों के दोनों वापस से कांगचियोंग माउंटेन में जाते हैं। यहाँ पर वो एक फैमिली विजिट करते हैं क्योंकि वहाँ पर कांगचियोंग माउंटेन को भी वो छोड़ नहीं सकता था, पीक लोड जो था। यहाँ पर सारे पहले तो उन्हें ऐसे देखते रहते थे लेकिन अब कोई भी टकटकिया लगाए उन्हें नहीं देखता था। चिंची धीरे से कहती है, ओ ये क्या, यहाँ पर चिंचिंग पीक में लॉर्ड वापस आए हैं, तुम वापस आ गए और यहाँ पर एक रेयर गेस्ट भी है। शिनचिनचो कहता है, तो क्या? यहाँ पर चिंची धीरे से कहती है, तुम अपने साथ जीवन क्लैन का कोई और तो नहीं लाए, स्पेशली जो तुम कहना चाहते हो, मतलब यहाँ पर जो तुम्हारे साथ है उसके अलावा। शिनचिनचो खुद से सोचता है, कहता है, लो भिंगे जो है वो ह्यूमन रिल्म से भी आता है, तुम उसे जीवन क्लैन का हमेशा मानते आए हो, स्पेशली तुम भूल गए हो मैं उसे अपने साथ रखता हूँ। तो यहाँ पर कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे वो खा गया हो, मैं उसे अपने साथ कहीं भी लेके जा सकता हूँ। धीरे से वो एक यंग मैन वहाँ आता है और वो कहता है, लियो श्री मुझे आप पे यकीन है, वैसे भी जब हम आखिरी बार अलग हुए थे। फिर वो कहता है, ये क्या है? लियो चिंगे का फेस एकदम थिक था। शिनचिनचो एकदम से उसके सामने आता है और यहाँ पर लियो चिंगे ने उसके सामने एक चीज़ ला के रख दी थी और कहता है, ये एक शॉर्ट हेयर मॉन्स्टर है, चलो इसे खा लो। शिनचिनचो कहता है, मैं इसे खाने वाला नहीं हूँ, लास्ट टाइम 20 सालों पहले आपने एक चीज़ मुझे दी थी, वो क्रिएचर अभी भी मेरे बैम्बू ट्री के बाहर है, चिंचिंग पीक में मैंने उसे रखा हुआ है और वो हमेशा मुझे घूर घूर के देखता है, ऑब्वियसली बात है। यहाँ पर वी चिनवे कहती है, शिनचिनचो अगर आप इसे खाना नहीं चाहते तो क्यों ना आप उन दोनों को साथ रख लें, क्या पता ये एक मेल और फीमेल हो और फिर ये आपको देखने की बजाय एक दूसरे को देखना पसंद कर ले, ये आपके उस बैम्बू घर को नहीं देखेंगे। तभी एक इंसान कहता है, तो क्या होगा अगर दोनों मेल होंगे? तो ये देखते ही शिनचिनचो और लियो भिंगे का चेहरा देखने लायक था। लियो चिंगे इस बात को काटते हुए कहता है, वो लियो भिंगे को देखते ही अचानक से
उसे गुस्सा आता था। वो देख रहा था कि आजकल लियो भिंगे किसी ना किसी सोच में रहता है। यहाँ पर शेंचिनची और बाकी सबको भी आभास हो रहा था कि कुछ तो उसके साथ चल रहा है। कांगचियोंग माउंटेन सेक्ट में आना लियो भिंगे को कभी भी पसंद नहीं था, ये बात ये जानता था। यहाँ पर जुई जियान पी के भी लोग आए हुए थे, साथ बैठ के खाना खा रहे थे, लेकिन लियो भिंगे का चेहरा अभी भी बहुत स्ट्रेंज था। कोई भी किसी टॉपिक को आगे उठा नहीं पा रहा था। चिंची और शेंचिनची वो क्वेश्चन आस्क करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर चिंची कहती है, तुम्हारे डिसाइपल के साथ ऐसा क्या हो गया है, वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है। यहाँ पर शेंचिनची कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है। चिंची कहती है, क्या तुम दोनों डिसाइपल और मास्टर के बीच में लड़ाई हुई है, क्या तुम दोनों आज लड़े हो। शेंचिनची कहता है, नहीं हम नहीं लड़े। वो ये बात तो अच्छे से जानता था कि वो दोनों बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। लड़ते भी क्या है, यहाँ पर जो हमारा लियो भिंगे है ना, वो हमेशा मुंह बना के रखता है और शिजुन से अपनी हर बात को मनवा ही लेता है। वो हमेशा ऐसे ही एक्टिंग करता रहता है, उसे उसका किसी के पास भी होना पसंद नहीं था। धीरे से लियो भिंगे जो है वो आज ओड ही बिहेव कर रहा था सुबह से, और शेंचिनची को भी ये फीलिंग आ रही थी। वो वापस से बैम्बू हाउस में आते हैं। शेंचिनची जो है वो बैम्बू दीवान पे बैठा होता है बैम्बू हाउस के, और सडनली उसे एकदम से बहुत आवाज़ सुनाई देती है। वो देखता है स्क्रीन हटाकर कि लियो भिंगे जो है वो ग्राउंड पे गिर गया था, और वहाँ मिंगफेन निंगिंग भी थे जो कि शोर मचा रहे थे। तभी शेंचिनची कहता है, क्या हुआ। लियो भिंगे उसकी तरफ देखते हुए कहता है, कुछ नहीं। मिंगफेन यहाँ पर कहता है, शिजुन लियो भिंगे जो है वो यहाँ पर गिर गया था। शेंचिनची चुप हो जाता है। लियो भिंगे जो है वो मिंगफेन की तरफ घूर के देखता है। शेंचिनची जल्दी से आता है और कहता है, चलो चलो वापस जाओ, जल्दी से कल सुबह की क्लासेस के लिए रेडी हो जाओ। यहाँ पर बैम्बू हाउस में डोर बंद करते ही लियो भिंगे जो है वो साइलेंटली टेबल पर आके बैठा है। शेंचिनची देखता है कि यहाँ पर उसके सिर पर लाल कलर का निशान पड़ जाता है, क्योंकि वो बहुत तेज लगा था। यहाँ पर वो सांस लेता है और कहता है, तुम्हारे साथ आजकल इन दिनों क्या हो रहा है। लियो भिंगे कुछ भी नहीं कहता। शेंचिनची कहता है, तुम आसपास ऐसे क्यों बैठे हो, वहाँ पर भी तुम बस चुपचाप बैठे थे। मास्टर जानना चाहता है कि तुम्हें क्या हुआ है। यहाँ पर वो अपना सिर बेसिन की तरफ लेके जाता है। वो बेसिन की तरफ शेंचिनची मुड़कर यहाँ पर एक गीला कपड़ा लेके आ रहा था कि तभी उसे फिर से एक ठंड की आवाज़ सुनाई देती है, और वो फ्लोर पे देखता है। यहाँ पर उसके एक्सप्रेशन चेंज थे। लियो भिंगे जो था वो उसके साथ में खड़ा था, और वो अपना बैलेंस लूज नहीं कर रहा था। शेंचिनची एकदम से कहता है, क्या तुम। तभी लियो भिंगे कहता है, शिजुन क्या आप मुझे अलाउड करेंगे कि मैं आपका हाथ शादी के लिए मांग लूँ। यहाँ पर शेंचिनची का फेस एकदम अलग था। लियो भिंगे फिर से बोलता है, शिजुन अगर आपकी विश हो तो क्या आप मुझे या फिर आप मेरा हाथ शादी में लेना चाहेंगे। यहाँ पर वो फिर से बोल देता है बिना शिजुन को बोलने देने के, शिजुन अगर आप विलिंग है मेरे साथ क्या। यहाँ पर शेंचिनची एकदम ट्रबल करता है। तभी लियो भिंगे कहता है, मेरे साथ फैमिली बिल्ड करने में मेरे साथ। शेंचिनची जो है वो देख रहा होता है कि लियो भिंगे की आंखों में अभी भी एक आग है जो कि उसे पाना चाहती है। धीरे से कहता है, शिजुन अगर आप विलिंग है तो। शेंचिनची कहता है, वेट रुको। तभी यहाँ पर एकदम से वो कहता है, तो ये रीज़न है तुम इतने दिन से स्ट्रेंज एक्ट कर रहे हो लियो भिंगे, तुम मुझसे ये चाहते हो। लियो भिंगे उनकी तरफ देखता है, और शेंचिनची कहता है, क्या ये शादी का प्रपोजल है। लियो भिंगे कहता है, ये डिसाइपल आपको प्रपोज कर रहा है। शिजुन देखते ही रह जाते हैं। शेंचिनची उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो टेबल पर बैठता है, वो अपना हाथों में अपने चेहरे को बरी कर लेता है। उसे ये सारी चीज़ें बहुत अजीब लग रही थी। उसका जो रिलेशन था लियो भिंगे के साथ, वो ऑलरेडी उनके भी चिंडे में से बहुत बार हो गई थी, और इस वक्त वो उसे प्रपोज कर रहा था। हेवंस, सच में ये कैसा प्रपोजल है कि ये इंसान दो बार तो पहले गिर गया है, और जस्ट मतलब अभी कुछ टाइम से लियो भिंगे जो है वो शायद इस चीज़ की सीक्रेटली रिहर्सल कर रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि लियो भिंगे ने एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर उसे ये चीज़ें कह दी। एक्चुअली शेंचिनची थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, अचानक से उसके सामने शादी का प्रस्ताव आता है। लियो भिंगे अभी भी थोड़ा टेंस था और कहता है, शिजुन अगर आपकी विश नहीं है और आप अगर शादी नहीं करना चाहते तो मुझे आंसर मत कीजिए। वो डर रहा था रिजेक्शन से। वो कहता है, मैं आपके आगे कोई भी ट्रबल नहीं करूँगा। अगर आप मुझे भगाना चाहते हैं या फिर अगर आपको कुछ भी अनकंफर्टेबल लग रहा है तो आप इसे मजाक की तरह लीजिए और सोचिए कुछ भी नहीं है। शेंचिनची उसकी तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, कुछ भी नहीं है, बकवास। लियो भिंगे यहाँ पर अपने टीचर को देख रहा था जो कि यहाँ पर अपने फैन को उसके सिर पर मारता है। यहाँ पर लियो भिंगे कह रहा है, प्लीज़ इसे मजाक ले लीजिए, सोचिए कि आपको कोई आंसर करने की जरूरत नहीं है। शेंचिनची कहता है, तो तुम इस तरह के भद्दे मजाक क्रैक करोगे। हाँ, लियो भिंगे कहता है, मैं गलत था। शिजुन कहता है, मैं जानता हूँ तुम गलत हो। और तुम्हारा टीचर जो था वो ऑलमोस्ट हाँ भरने वाला था। लियो भिंगे कहता है, क्या। शिजुन आपने क्या कहा। शेंचिनची कहता है, कुछ नहीं। लियो भिंगे कहता है, शिजुन। शेंचिनची धीरे से कहता है, धीरे से वो लियो भिंगे के पास आके कहता है, मैं हाँ कहने वाला था। वो गुस्से में लियो भिंगे को देखता है जो कि एम्बेरस था, और वो धीरे से बोलता है, शिजुन वो मैं ऐसे कहने वाला था कि। तभी शेंचिनची जो है वो एकदम से लियो भिंगे के सिर पर मारता है, और वो गुस्से में यहाँ पर लियो भिंगे के ऊपर पानी फेंक देता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लियो भिंगे कहता है, शिजुन मुझे लगा कि। शेंचिनची कहता है, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगा। लियो भिंगे उसे देख रहा था। शेंचिनची कहता है, इसलिए तुमने मुझे आंसर नहीं किया, मेरा आंसर नहीं सुना, और तुम्हें लग रहा था मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगा। लियो भिंगे कहता है, मैं बस थोड़ा सा एंशियस था। वहाँ पर शेंचिनची की आंखें उससे मिलती है, और वो कहता है, शिजुन मुझे ऐसा लगा था कि बाकी दिन मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे नहीं कर पाया, मैं आपको नहीं बोल पाया, मुझे पता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, आप क्या मेरे साथ ये सब करना चाहेंगे। शेंचिनची कहता है, तुम बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचते हो। लियो भिंगे कहता है, इसमें गलत ही क्या है, क्या ये इल्लीगल है। वो हमेशा से उसे शादी करना चाहता है, उसे बहुत प्यार करता है। लियो भिंगे कहता है, मेरी यूथ में मेरी दिमाग दिल में कोई इस तरह का पर्सन नहीं था।
मैं हमेशा आपसे प्यार करता था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप वो इंसान होंगे जिन्हें मैं हमेशा चाहूँगा। छिंचिंचू कहता है, तुम गलत सोच रहे हो। लोपिंग ये कहता है बाद में, मेरी लाइफ में पहले कोई भी नहीं था जो मेरी केयर टेक करे, लेकिन उसके बाद शिजुन आप मेरी ज़िंदगी में आए और आप हमेशा मेरी साइड में रहे, और स्टिल मैं अपनी एनजाइटी को कंट्रोल नहीं कर पाता। मुझे बहुत अजीब लगता है कि एक दिन आप मुझे छोड़ देंगे, और मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं स्ट्रॉगर हूँगा तो मैं बेटर हूँगा, और मुझे ऐसा लगता है कि ये इनफ नहीं है, मैं अपने फियर को कंट्रोल नहीं कर पाता। शिनचिनचू कहता है, भिंगे तुम। वो भिंगे कहता है, मुझे नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। यहाँ पर शिनचिनचू कहता है, तो अपने जो ये थॉट है ना उन्हें एक साइड रख दो। यहाँ पर चाइनीज़ वेडिंग होती है। यहाँ पर दो मैन जो कि बेड पे एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे, उनके क्लोथ्स पूरे के पूरे रेड कलर में थे, और वो बहुत क्यूट लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। यहाँ पर जो हमारा शिनचिनचू था लुओ बिंगे, उसे बड़े प्यार से उसे एक आइडिया आ रहा था। दोनों ग्रूम की आउटफिट में थे। यहाँ पर शिनचिनचू जो था वो उसने एक लाल कलर की आउटफिट पहनी हुई थी। यहाँ पर दोनों के दोनों रिचुअल्स के दौरान एक दूसरे के आगे घुटने टेकते हैं, ड्रिंक करते हैं, 3 माउस लेते हैं, और उसके बाद उनकी सुहागरात का टाइम आता है। वो इस सेरेमनी के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर थे। शिनचिनचू जो है वो खुद से सोचता है, और यहाँ पर वो धीरे धीरे उन कपड़ों को जब पहन रहा था कि एक दिन राइट अवे उसे इन कपड़ों को उतारना होगा, उसे फ़नी लग रहा था, लेकिन स्टिल उसे ये चीज़ करने में बहुत अच्छा लग रहा था। आज उन दोनों की शादी हो गई थी। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था लुओ भिंगे जो है वो ट्रेडिशनल टाइप का होगा, वो मैरिज को ट्रेडिशनल तरीके से ही निभाएगा, और ऑनेस्टली उसे हंसी आ रही थी। लेकिन ये इंसान सच में उसने कभी नहीं सोचा था वो इतना ट्रेडिशनल होगा। लुओ भिंगे यहाँ वेडिंग के गारमेंट्स को जो है वो हल्का हल्का उतारने लगता है। उसकी आइज़ जो थी शिनचिनचू पे फिक्स होती है, और शिनचिनचू उसे कहता है, लुओ भिंगे ये क्या है। लुओ भिंगे यहाँ कहता है, शिजुन आप इस रेड कलर में बहुत अच्छे लग रहे हैं। शिनचिनचू की स्किन बहुत फेयर थी और वो वेडिंग गारमेंट में बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर वो लाल कलर में जो कि इंसान हमेशा ग्रीन सा कलर पहन के रखता था वो बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पर लुओ भिंगे को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो और वो कोई गर्ल हो। यहाँ पर वो कहता है, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो रेड में। शिनचिनचू को बिलीव नहीं हो रहा था, वो किसी गर्ल की तरह उसका एक प्रीटी ग्रूम है। यहाँ पर वो बिल्कुल अपने अपने अपनी गर्ल के सामने बैक करना चाहता था कि मेरी तारीफ़ करो। शिनचिनचू जो है वो कहता है, अब तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर लुओ भिंगे जो है वो ब्लश करता है और कहता है, ये डिसाइपल ने सुना कि न्यूली वेड जो है वो जब कमरे में रहते हैं तो जब उनकी सुहागरात होती है उस दिन उन्हें कुछ कस्टम फॉलो करने होते हैं। शिनचिनचू सोचता है, वेट सुहागरात, क्योंकि वो तो बहुत बार एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो चुके हैं, यहाँ दर्द ट्रेडिशन भी है। लुओ भिंगे कहता है, शिजुन ये डिसाइपल कसम खाता है कि एक्चुअली मैं आपको बिल्कुल भी खून बहाने नहीं दूंगा, और कंटिन्यूसली उसका लाल फेस होता है और वो कहता है, मेरी विश है कि मैं रियल मैरिज कपल की तरह जितना हो सके सब करूँ और फॉलो करूँ हर स्टेप को जो कि सेरेमनी नाइट पर होता है। शिनचिनचू का फेस लाल था और वो कहता है, ये तो अननेसेसरी फॉर्मेलिटी है ना, तुम इसे भूल जाओ, क्योंकि लुओ भिंगे वहाँ पर सफेद कलर की चादर बिछाना चाहता था जिसमें पहली रात ही वर्जिनिटी का ब्लड लग जाए। वैसे ये चीज़ मिथ्या होती है, इस चीज़ को कभी फॉलो नहीं करना चाहिए, बट लुओ भिंगे इसे फॉलो करना चाहता था। और शिजुन को कहता है, मैं आपको ब्लीडिंग होने नहीं दूंगा, लेकिन उसके जो शिजुन थे ना वो इस सबको नहीं मानते। यहाँ पर जो हमारा लुओ भिंगे होता है जब शिजुन नहीं मानते तो वो उसका चेहरा देखने लायक था, वो रोने की कगार पर आ गया था। और यहाँ पर वो कहता है, बट अगर हमने जैसे कि मान्यता होती है वैसे नहीं किया तो इस सुहागरात का कोई मतलब नहीं होगा। लुओ भिंगे कहता है, मैं इतना इंपॉर्टेंट पार्ट मिस नहीं कर सकता, यह हमारी सुहागरात का एक पार्ट है। शिनचिनचू कहता है, ठीक है ठीक है, अगर तुम करना चाहते हो तो तुम इस चादर को बिछा सकते हो। उस बेचारे ने चादर वैसे भी हटा दी थी शिनचिनचू ने। लुओ भिंगे खुश हो जाता है और वो अपने सिर को यहाँ पर शिजुन के पास रखता है और कहता है, शिजुन मैं आपका हमेशा अच्छा डिसाइपल बन के रहूँगा। शिनचिनचू जो है वो कहता है, अच्छा ऐसा तो नहीं लगता। वो धीरे धीरे एक दूसरे से हाथों में हाथ मिलाकर बैठे होते हैं। यहाँ पर लुओ भिंगे जो है वो शिनचिनचू को देखता है जिसके क्लोथ्स जो थे वो सारे के सारे नीचे ज़मीन पे थे, उसकी सिर्फ वो अपनी स्नो वाइट सॉक्स में था। यहाँ पर उस पियर और मास्टर डिसाइपल जो थे वो काउंटलेस टाइम ये सारी चीज़ें कर गए थे, लेकिन आज भी उन्हें बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो फर्स्ट टाइम करने जा रहे हों। धीरे से वो शिनचिनचू के लिप्स पे अपनी जो फिंगर थी उसे रब करने लगता है, और ना जाने कितनी बार वो चीज़ें कर चुके थे बट उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि आज उनकी फाइनली सुहागरात थी। शिनचिनचू उसकी फिंगर को किस करने लगता है, उसकी अपनी टंग से उस फिंगर के साथ खेलने लगता है और उसे सक करने लगता है। धीरे से लुओ भिंगे उसमें एक और फिंगर ऐड कर दे रहा है जिसकी वजह से शिनचिनचू बड़े अच्छे से उसकी दोनों फिंगर को सक करता है, और वो उस दोनों फिंगर को बड़े ही प्यार से वेट कर देता है। जिसके बाद लुओ भिंगे उसके मुँह से अपना हाथ हटाकर उसकी लोअर बॉडी में उसी दोनों फिंगर से उसे स्ट्रेच करने लगता है, उसके साथ फोर प्ले करने लगता है, और जिसकी वजह से वो शिजुन को देख रहा था। वो शिजुन को धीरे से बोलता है, शिजुन अब मैं आपके अंदर एंटर होने जा रहा हूँ। वो धीरे धीरे दोनों हाथों से शिजुन की जो है लिप्स उन्हें किस करता है और शिजुन के अंदर एंटर होने लगता है। यहाँ पर शिजुन की वेस्ट को वो बहुत टाइटली पकड़ लेता है, ऐसा लग रहा था जैसे शिजुन आज बहुत ज़्यादा टाइट हो। इनसाइड वो धीरे धीरे शिजुन के अंदर बाय इंच जाता है। ये मैन जो था वो शिनचिनचू उसके अंडर बहुत अच्छा लग रहा था।
लोह भिंगे ने उसकी आधी बॉडी जैसे मानो अपने अपनी वजह से ही तोड़ दी हो, और लोह भिंगे एक डीमन था जिसकी वजह से उसका जो बॉडी पार्ट था वो भी एकदम डीमन जैसा था। शिनचिनचि को ऐसा लग रहा था जैसे उसके हिप्स तो गए यहाँ पर। लोह भिंगे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, और आज वो लोह भिंगे जब रुकने का नाम नहीं ले रहा था तो धीरे से लोह भिंगे को कहता है, लोह भिंगे धीरे धीरे करो। यहाँ पर लोह भिंगे जो है वो नीचे की तरफ देखता है और वो शॉक्ड हो जाता है। एक्चुअली वो इतनी देर से अपने अपने शिजन को पाउंड कर रहा था, यानी कि उनके ऊपर चढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो शिजन थे वो बहुत ज़्यादा वो जंगली हो गया था। एनिमल तरीके से वो शिजन के साथ नॉनस्टॉप कर रहा था। शिजन भी यहाँ खोए हुए थे चीज़ों को लेकर, कि शिजन को पता ही नहीं चलता कि कब उनके नीचे बॉडी में से ब्लड निकलने लगता है। यहाँ पर लोह भिंगे रोतरी सी शक्ल बनाकर कहता है, शिजन मैंने कसम खाई थी कि मैं आपको आज के दिन ब्लीडिंग नहीं होने दूंगा, और देखो क्या हो गया। शिनचिनचि उसे कहता है, प्लीज़ ये मत करो। लोह भिंगे कहता है, प्लीज़। यहाँ पर शिनचिनचि धीरे से कहता है, लोह भिंगे मुझे शिजुन मत बुलाओ। और वो दोनों अभी भी इंटरकनेक्टेड थे लोअर बॉडी से, तो लोह भिंगे कहता है, अगर मैं आपको शिजुन ना बुलाऊँ तो मैं आपको क्या कहूँ। यहाँ पर शिनचिनचि सोच रहा था इस टाइम पे, शिजुन अगर वो बुलाएगा जब दोनों की शादी हो गई है तो अच्छा नहीं लगेगा। तो वो कहता है, तुम मुझे जो बुलाना चाहो बुला सकते हो। धीरे लोह भिंगे मुझे दर्द हो रहा है। लोह भिंगे और भी तेज़ अपने आप को करते हुए कहता है, शिजुन अगर आप मुझे नहीं बताएंगे मैं आपको क्या कहूँ तो मैं खुद को नहीं रोकूंगा। यहाँ पर शिनचिनचि कहता है, तुम मुझे जो भी बोलना चाहते हो तुम बोलो। लोह भिंगे कहता है, मैं सुनना चाहता हूँ आप मुझे जो बुलाना चाहते हैं। आज हमारी शादी की रात है शिजुन, आपको क्या कहना चाहिए मुझे। यहाँ पर शिजुन को ऐसा लग रहा था कि उसे तो फिलहाल इस वक्त हेल्प चलाना चाहिए, क्योंकि लोह भिंगे एकदम एनिमल तरीके से उसे यहाँ पर पाउंड कर रहा था और उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। उसे 2 मिनट भी छोड़ नहीं रहा था, और उसका जो फोर्स था सेक्स के टाइम पे वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था। यहाँ पर वो शिजुन को कहता है, आपको मुझे एक बार वो बुलाना चाहिए जो मैं सुनना चाहता हूँ। शिनचिनचि का जो मुंह था ना वो टाइटली बंद कर लेता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। लोह भिंगे फिर से सैड वॉइस में कहता है, शिजुन प्लीज़ हम इतने आगे तक आ चुके हैं लेकिन आप अभी भी मुझे विलिंगली वो चीज़ नहीं बोलना चाहते। यहाँ पर वो टेरिबली लग रहा था और शिनचिनचि जो है वो खुद को एंडोर कर रहा था, लेकिन लोह भिंगे के जो टीयर्स थे ना वो उसकी आंखों पर आके गिर जाते हैं। लोह भिंगे चाहता था कि उसके शिजुन उसे वो कंसिडर करे जो वो सुनना चाहता है। लोह भिंगे कहता है, प्लीज़ एक बार तो शिजुन आपको एक बार तो बोलना चाहिए, प्लीज़ एक बार मैं वो चीज़ याद रखूँगा इस वक्त को, और मैं आपको दोबारा कहने के लिए नहीं बोलूँगा। ठीक है, इतना तो ठीक है ना। शिनचिनचि जो है वो उसका फेस जो है लोह भिंगे के टीयर से अब कहीं ना कहीं बर्न हो रहा था, और लोह भिंगे अपने आप को और भी ज़्यादा कठोर बना रहा था। वो 2 मिनट के लिए भी शिनचिनचि को नहीं छोड़ता, और शिनचिनचि एकदम से अपनी आवाज़ में बोलता है, हस्बैंड। लोह भिंगे की आईज़ खुशी से जाग जाती है, और वो कहते हैं, शिजुन क्या कहा आपने। शिनचिनचि कहता है, हस भिंगे तुम धीरे करो। यहाँ पर उसे एम्बेरसमेंट हो रही थी। लोह भिंगे धीरे से कहता है, शिजुन प्लीज़ एक बार ज़ोर से कहिए ना, मैंने आपको क्लियरली नहीं सुना। यहाँ पर शिनचिनचि बिल्कुल भी नहीं बोलता, लेकिन लोह भिंगे भी उसे नहीं छोड़ता। वो उसकी वेस्ट को पकड़कर और भी ज़ोर से उसके साथ रोमांस करने लगता है, और यहाँ पर शिनचिनचि कहता है, वेट रुको रुको हस्बैंड प्लीज़ प्लीज़ मैं और ज़्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ पर जैसे ही वो उसे हस्बैंड बोलता है, लोह भिंगे बड़े ही प्यार से शिनचिनचि को वाइफ बोलता है, और यहाँ पर बेचारा शिनचिनचि कहता है, प्लीज़ अब तो मुझे छोड़ दो। यहाँ पर वो कहता है, शट अप चुप रहो वाइफ मत बोलो। और लोह भिंगे जो है वो एनिमल तरीके से उसके साथ रोमांस फिर भी कर रहा होता है। यहाँ पर वो कहता है, शिजुन आप बहुत वंडरफुल हैं, मैं हमेशा चाहता था कि आप मुझे वो कह के बुलाएं, और आपने मुझे क्या थोड़ी देर और ये सब नाम से बुलाएंगे, यानी कि हस्बैंड नाम से बुलाएंगे। शिनचिनचि की नेक को वो जोर से पकड़ता है, और वो लोह भिंगे को देखता है जो कि फिर से रोने की शक्ल में आ गया था। यहाँ पर शिनचिनचि और कुछ नहीं कर सकता था, उस बेचारे के हाथ पैर लोह भिंगे ने अपने ही हाथों पैरों में जकड़े हुए थे। उसकी जो टांगे थी वो लोह भिंगे की ऑलरेडी शोल्डर पे थी, और दोनों की बॉडी अंदर ही कनेक्टेड थी। ये मौसम ऐसा था जब शिनचिनचि कार भी नहीं कर सकता था, और उसे अगले दिन बहुत शर्म आने वाली थी। यहाँ पर दोनों पैशनेट किस करते हैं, शिनचिनचि जो है कोऑपरेट करता है, और लोह भिंगे जो है यहाँ पर एक छोटे स्पॉइल्ड बच्चे की तरह जैसे उसे उसकी फेवरेट कैंडी मिल गया हो। शिजुन जब जब उसे हस्बैंड कहते हैं वो खुश होता रहता है, दोनों पेन और प्लेजर फील करते हैं। धीरे से वो कहता है, शिजुन प्लीज़ मुझे बोलिए ना। यहाँ पर उसकी एम्बेरसमेंट नेक्स्ट लेवल पे आ गई थी। चिंजिंग पीक में उसका मन कर रहा था कि वो अगले दिन उठे और गड्ढा खोद के खुद को कहीं ना कहीं दफना दे। यहाँ पर लास्ट नाइट उनकी वर्थ इट थी। लोह भिंगे जो है वो अभी भी सुबह उठता है और उसके साइड में लेटा हुआ था, अभी भी उसमें पूरी एनर्जी थी। शिनचिनचि पहले उठ जाता है। लोह भिंगे यहाँ पर कहता है, शिजुन आप रेस्ट करो, मैं जाता हूँ और ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। यहाँ बचा रही की पूरी तरह से उसने बैक को सुजा दिया था और ब्लड भी निकल रहा था। यहाँ पर लोह भिंगे एकदम से आगे जाता है। शिनचिनचि जो है धीरे से मबल करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता क्या कहा। शिनचिनचि कहता है, कुछ नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। लोह भिंगे कहता है, ठीक है मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। शिनचिनचि धीरे से कहता है, हस्बैंड। लोह भिंगे फ्रोज हो जाता है और वो पीछे मुड़ के देखता है। वो कहता है, शिजुन आपने क्या कहा। शिनचिनचि यहाँ पर कहता है, मैं ये कह रहा था कि ये मास्टर थोड़ा भूखा है। यहाँ पर उसने ऑलरेडी लोह भिंगे को ट्रिगर कर दिया था। शिनचिनचि देखता है कि लोह भिंगे उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है, मैं भी बहुत भूखा हूँ। वो शिनचिनचि की गोद में सिर रख लेता है। यहाँ पर उसने अपने लिए फिर से एक गड्ढा खोद दिया था। लोह भिंगे यहाँ स्माइल करता है और शिनचिनचि कहता है, अगर तुम भी भूखे हो तो जाओ खाना बनाओ। वो जानते थे कि अब ब्रेकफास्ट थोड़ा सा इंतजार कर सकता है, और दोनों फिर से शायद रोमांस करने लग जाते हैं। और यहाँ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो गाइस। अब सिर्फ 2 चैप्टर लेफ्ट हैं और उसके बाद भिंगेचू कंप्लीट हो जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।